नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट्री। यहाँ पे मैं बात करने वाला दोस्तों कि आज बाजार में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हुई। और अच्छी बात यह है कि बाजार के बंद होते होते, आप पूरी आप कह सकते हैं बाजार के बंद होते होते एक शानदार रिकवरी भी हमें निचले स्तरों में देखने को मिली, लेकिन अभी भी क्लोजिंग 17,000 के नीचे हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। रीजन क्या है, गिरावट क्यों हुई है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए निफ्टी की तरफ 0.65%, जी हाँ दोस्तों 0.65% की यहाँ गिरावट हुई है। 17,000 के आप कह सकते हैं ये नीचे की क्लोजिंग है। जी हाँ दोस्तों, 17,000 की ये नीचे की क्लोजिंग है। और बात इतनी ही नहीं है दोस्तों, ये जो गिरावट ही लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में 1.13%, पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो बाजार में 4% से, जी हाँ दोस्तों, मोर देन 4% यहाँ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है ये जल्दी थमने वाली नहीं है। रीजन क्या है, इसके लिए आपको एक पूरा आर्टिकल देखना पड़ेगा जहां लिखा है बिलो 16,900। लेकिन अच्छी चीज ये है, बाजार बंद हो तो इसके ऊपर आ गया था। वो ट्रिगर निफ्टी शार्प सेल ऑफ, निफ्टी में जो बड़ा सेल ऑफ हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए बहुत तगड़ी चीजें इसमें दी गई है। सबसे पहले आप देखें, द बैंकिंग सेक्टर इज रिलाइंग फ्रॉम द शॉक वेव कॉज बाय रिसेंट कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक। जो कह सकते हैं, जो सिलिकॉन वैली बैंक का गिरना और सिग्नेचर बैंक का गिरना हुआ, उससे जो भारतीय जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। बोथ ऑफ विच एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लॉस इन देयर बॉन्ड पोर्टफोलियो। रीजन क्या था भाई साहब, बॉन्ड पोर्टफोलियो में इतनी भयंकर गिरावट आई जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं थी। आगे देखें, इन्वेस्टर्स आर नाउ वेटिंग अवेटिंग द यूएस फेड मीटिंग। जो निवेशक हैं अब वो यूएस फेड की जो मीटिंग है वहां से क्या निकल के आएगा इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है। नॉट टू फॉरगेट दैट फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज ड्यू ऑन वेंसडे। वेंसडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं वेंसडे को पेंडिंग है। और द मार्केट रिजर्व इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम 50-25। ठीक है, पहले जहां 50 बेस पॉइंट की इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही थी, बाजार अब कह रहा है कि शायद 25 बेस पॉइंट हो विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 70% की 70% अब ये है कि 25 बेस पॉइंट कहा जाएगा। रिमेंबर दैट द व्हेनेवर द फैक्ट इज डन विद हाइक्स इट नॉर्मली एंड्स अप सम क्राइसिस एंड ब्रेक समथिंग। ठीक है, देखिए कुछ भी एक झटका उसके बाद फिर भी आता ही है। ठीक है, आगे है, यूएस फेड मीटिंग थिंग दिस वीक विद द यूएस बैंकिंग सिस्टम इन टर्मोइल, देयर वाज अ ब्रीफ होप अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, दैट द फेड पॉज ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक। निवेशक ये भी कह रहे हैं कि शायद पॉज किया जाए या 25 बेस पॉइंट किया जाए। बैंकिंग स्टॉक आप देखेंगे तो कंटिन्यू गिरावट में है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज इसके बारे में बातों में कि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल। ओवर द पास्ट 10 सेशंस क्रूड ऑयल हैज सीन अ डिक्लाइन ऑफ मोर देन 18%। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर रिगार्डिंग ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस लीडिंग टू अ डिक्रीज इंटरेस्ट इन रिस्क एसेट सच एज कमोडिटीज। या दोस्तों, क्रूड ऑयल 18% टूट चुका है। और इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों कि ये जो गिरावट है आपके साथ क्रूड ऑयल में, ये लगातार सेशन में जारी है और आने वाले समय में ये जारी रहेगी, इस बात के आगे भी जारी ही रहेगी, इस बात का अंदेशा है दोस्तों। और ये तमाम चीजें मिलकर हुए प्रॉब्लम कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीट वेव इम्पैक्ट। देर आर ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो अगर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होगा, ये कहा जा रहा है। और आगे है, हाउएवर पूनम गुप्ता जी जो है, हु सर्व्स द की एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द हेड ऑफ नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनका ये मानना है क्या इंडियन इकोनॉमी अभी रेजिलिएंट रहेगी कि किसी भी वेदर यानी मौसम को झेल जाए। डिस्पाइट दिस कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी ग्रो अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन टू द 3 क्वार्टर लो ऑफ 4.4। तो जो 4.4% की जो ग्रोथ गिरावट देखने को मिली हमें क्वार्टरली में, ये भी एक कंसर्न है। यानी जो तमाम इश्यूज इंपैक्ट है दोस्तों, और वेंसडे का जो दिन है, वेंसडे का जो दिन है ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला होगा। और एक बार वो सेटल डाउन होगा तो वहां से
आप कह सकते हैं रिकवरी वहां से तेजी आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।